मेरा नाम रवीना पालत है। रवीना जी, बात करें आज एल्बम की, किस तरह की एल्बम है और शूट हो रहा है क्या आपके? ये एल्बम है, डीप मनी सिंगर है और आदिल डायरेक्टर और कोरियोग्राफर है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ऑन सेट। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आपके काम की बात करें, कितने अभी तक बॉलीवुड में आप काम कर चुके हैं? मैंने एक भी फिल्में नहीं की हैं, पर मैंने काफ़ी एड्स किया हुआ है। मेरा लेटेस्ट एड हिमालया है और सनसिल्क है जो ऑन एयर है, तो हाँ। और इसके पहले मैंने एक ही वीडियो किया है जी म्यूज़िक के साथ, वो हिंदी वाला है। ये मेरा पंजाबी फर्स्ट वीडियो है। बंगाली लड़की है और पंजाबी वीडियो है, तो कितना एंजॉय? हाँ, मुझे पंजाबी लोग बहुत पसंद है और पंजाबी गाना बहुत पसंद है, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। वो भी समुद्र के किनारे हो रहा है, बिल्कुल ओपन में, क्राउड में कैसा लग रहा है? यहाँ पे इतना चिल्ड आउट क्राउड है, सब इतने अच्छे हैं, मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा है कि कुछ प्रेशर है शूट का। सब पार्टी कर रहे हैं ऑन द बीच, तो सब चिल्ड आउट हो रहा है शूट। गाने की लाइनें क्या हैं और क्या सीन फिल्माया जा रहा है? गाने की लाइनें नी कुड़िये गाने का नाम है और गाने की लाइनें क्या हैं? गाने की लाइनें नी कुड़िये हैं जो दीप मनी ने, हम सो सॉरी आया, हाँ। गाने की लाइनें है नी कुड़िये जो दीप मनी ने गाया हुआ है और उसने इतना अच्छा गाया हुआ है, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। बात करें एल्बम का, कितना एक्सपोजर मिलता है? जैसे आपने बोला अभी ज़्यादा काम नहीं किया है, तो इस एल्बम के बाद आपके काफ़ी, देखिए डीप मनी बहुत फेमस है और टोप शोप ऑफ कोर्स सब जानते हैं उनके बारे में, और डीप मनी के साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज डीप मनी की पहुँच बहुत अच्छी है, तो मेरा भी फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं बात करें, हर एल्बम के अंदर एक बोल्ड सीन होना बहुत ज़रूरी है, वो पब्लिक की डिमांड होती है, और क्या कहना चाहिए उसके बारे में? हमारे एल्बम में इतना कुछ बोल्ड नहीं है, पर जितना भी बोल्ड है बहुत मज़ा आएगा आपको देख के। जैसे बंगाली लड़की है, बंगाली लड़कियाँ खुल के बोल्ड बनती हैं गाने के ऊपर, तो कितना बोल्ड रहेगा? ये सिर्फ एक मिथ है, पर देखा जाए तो है एक्चुअली बंगाली लड़कियाँ बोल्ड, पर इसमें हमने काफ़ी एस्थेटिकली शॉट किया है सब कुछ। आदिल बहुत अच्छे हैं, वो मतलब आपने उनका काम देखा होगा तो आपको समझ ही आ जाएगा वो कैसे बोल्ड भी कैसे इतना मज़ेदार बना देते हैं।